नमस्कार भाई दोस्तों, एक तो आज के वीडियो का एक एक शब्द सुन लेना और बाद में ही अपने सवाल करना, मर्यादा के दायरे में करना, जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई ये है, मीडिया और नेता इन लोगों ने जनता की नब्ज को बुरे तरीके से पकड़ा हुआ है और उसी आधार पर ये लोग चल रहे हैं। पता है जनता को ना शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, ना रोजगार चाहिए, ये चीजें जनता को चाहिए ही नहीं। ये चीज नेताओं को भी पता है और मीडिया को भी पता है, इसलिए मीडिया भी वही परोसती है जो आप चाहते हो और नेता भी वही बोलते हैं जो आप चाहते हो। जनता चाहती है धर्म, जातिवाद, कोई किसी के महापुरुषों पर टिप्पणियां करे, वो यही तो चाहती है जनता। एकदम से इनकी भावनाएं भड़क जाती हैं, बस लग जाते हैं पूरा तूफान उठाने में। आपको पता है, ज्यादा दिन की भी बात नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात है, अभी 10 दिन पहले का ही मामला है। राजस्थान के सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने आत्महत्या की थी, सुसाइड कर लिया था उसने। क्या किसी मीडिया ने कहीं पर दिखाया, कुछ बताया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी? एक नाचने गाने वाला और टीवी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उसने आत्महत्या कर ली, 1 महीने तक तांडव नृत्य किया था इसी मीडिया ने, नेताओं ने भी उसी का जिक्र रखा किया। भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो आप इतने कूद गए, नरेश जाट क्या जवान नहीं था? झूठ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि सेना की बहुत इज्जत है, हम सैनिकों की बहुत इज्जत करते हैं। सबसे बड़े झूठे वो लोग हैं अपने देश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलेंगे हाँ ठीक है अपने देश का जवान है, अपने देश का किसान है, झूठा नाम लेते हैं। झूठा झूठ बोलते हैं, कोरी झूठ, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब कोई सिर्फ अपने आप से मतलब है कि मैं कैसे करके आगे बढ़ जाऊं। और ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ये, क्योंकि लोग चाहते यही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। शिक्षा जाओ बाहर में, स्वास्थ्य कोई क्या मतलब है, मेडिकल बनो मत बनो, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इन पर हम बड़ी पूरे हथियार उठा के खड़े हो जाते हैं। क्यों? यही सब चाहते हो ना तुम लोग, बस यही चाहिए। एक तरफ तो आप लोग अभी इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसको बोलते हैं ना उड़ता तीर बोल, जिसको बोलते हैं वो लेके बैठे हुए हो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे। पता है क्यों? आज तक सुप्रीम कोर्ट से भाई क्यों नहीं दिलवा सके, ये इतने लाखों संगठन है, शहीद का दर्जा नहीं दिलवा सके, सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हो। इससे ज्यादा इसके ऊपर मैटर पे हम बोलेंगे भी नहीं, नहीं बोलेंगे इस मैटर पे। क्यों? क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कभी करते हो क्या शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात? रोजगार की बात करके देखो, तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम्हें चाहिए सिर्फ लड़ाई, डिबेट चाहिए तुम्हारे को, और कुछ नहीं चाहिए। कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया है, 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब, सिखों के 10वें गुरु, एक शहीद पिता के पुत्र थे और शहीद पुत्रों के पिता थे। लेकिन आपको क्या करना, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। बताना ऐसा कौन सा महापुरुष है, दिखाना एक बार, है कोई? नहीं मिलेगा। सिख कौम के पहले गुरु गुरु नानक साहेब ने से लेकर आज तक जो गुरु ग्रंथ साहिब तक, गुरु शब्द है ना गुरु, वो सिख कौम से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। किसी ने एक बार पूछा था अपने गुरु नानक देव साहब से कि आपके गुरु कौन है, ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि आपके गुरु कौन है, ध्यान से सुन लेना आप, गुरु कौन होता है, गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे बता दो। और गुरु नानक देव जी ने भी जवाब दिया था कि उनके गुरु कौन है, और अपने गुरु के बारे में बिल्कुल खुल के बताया और आज तक बता रखा है। लेकिन आपको इस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। क्या बताया था, मैं इतना वो नहीं कर पाता, लेकिन देखो सुनो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिशी को हमारी, सकल प्राजा जिन आप सवारी। ये गुरु नानक देव जी का जवाब था। और हाँ, ये समझदार लोग, थोड़ा बताना इसको हिंदी में कैसे बनेगा, ये दोबारा फिर बता रहा हूं, इसकी हिंदी बता देना, ज्ञान बाद में बांटते रहना, आपके अंदर ज्ञान बहुत है मैं मानता हूं, एक छोटे छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। दोबारा इस लाइन को बोल रहे हैं आप, इसकी हिंदी बता देना, आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा अगर आपने ढंग से जवाब सवाल किया तो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिशी को हमारी, सकल पराजा जिन आप सवारी। ये गुरु नानक देव जी का जवाब था, और इसकी आप हिंदी बना के बता देना। बाकी अपने देश के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, स्वास्थ्य सभी का सुरक्षित है, रोजगार हमारे को
लिमिट से ज्यादा मिल रहा है। इन चीजों की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है हमारे को कोई भी। बताओ किसको जरूरत है? क्योंकि सबके पास रोजगार है, क्यों नहीं रोजगार है? गालियां देने जाना, किसी की पोस्ट पे जाके गलत कमेंट करना, इससे बड़ा रोजगार आपको मिलेगा क्या कहीं पर? इतना बड़ा रोजगार है हमारे देश में हमारे युवाओं के पास कि उनको रोजगार की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? फर्स्ट उनको रोजगार मिला हुआ है, अपने रोजगार में अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। ये है आप लोगों का। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब इस मैटर पर कोई बात नहीं होगी, कोई भी बात नहीं होगी, ये याद रखना। आपको अगर नहीं समझ में आया है आप सवाल करना, आपका जवाब देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है 9518883630 9518883630। व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपका जवाब मिलेगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो चैनल है, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन मुद्दों की और हकों की आवाज़ उठाई जाएगी, ये याद रखना। ये नहीं कि किसी भी बात का एक्सप्लेन करते फिरेंगे हम, ठीक है? मुद्दों पे बात होगी और आपको हर एक चीज़ की, जो चीज़ हम बोलेंगे ना उसके जिम्मेवार हम हैं। बताते हैं आपको एक इतनी ज़बरदस्त बात, बताते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, सोच नहीं गई आपकी अभी तक वहाँ पर, और यही सच्चाई है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।